ये चे? जो थे अंदर थे और आप ये देखना होगा कि ज़राए ब्लॉग से वो बात करते हैं या नहीं। आप देख पाएंगे कि साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के हटने के बाद से लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है और जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर पॉलिटिकल एक्टिविशंस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह से आती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब हम नाम लेते हैं तो पैट्रन लीडर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर सबसे ज़्यादा नज़र बनी रहती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरह से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट उनके जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 43 करोड़ रुपीज़ के स्कैम पर उन्हें लगातार सवाल कर रही है। आज भी वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर स्थित जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वहाँ पर गए थे सवालों का जवाब देने। वहाँ पर उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी, उन्हें ग्रिल किया जा रहा था। पहले दिन उन्हें लगभग 8 से 8.5 घंटे तक के समय के लिए ग्रिल किया गया। आज भी लगभग 5 से 6 घंटे के लिए उन्हें कंटिन्यूसली ग्रिल किया गया। याद रहना चाहिए कि साल 2001 से लेकर साल 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले 112 करोड़ के फंड्स में से 43 करोड़ रुपीज़ का स्कैम हुआ था जो मिस अप्रोप्रिएट किए गए थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला समेत और 4 अन्य उनके सहयोगियों का नाम रखा गया था। सीबीआई ने 2012 में एक चार्जशीट भी फाइल किया था जिसके बाद प्रोसीडिंग्स उसमें रुक चुकी थी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ कहाँ ही किसी राज्य के अंदर कोई भी इंक्वायरी होती है। अब जबकि वो किसी भी मजबूत सीट पर नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब उनके खिलाफ दोबारा से एक बार कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इस स्कैम को क्लियर आउट किया जाए और ये पता करवाया जाए कि कहां पर इस 43 करोड़ रुपीज़ के अमाउंट को मिस अप्रोप्रिएट या फिर मिस यूज़ इसका किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, राहुल गांधी ने भी कल अपने ट्वीट में इस बात के बारे में बात की थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में एक साथ खड़े हैं उनको तोड़ने के लिए लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एफर्ट्स कर रही है और ईडी का ये जो समन है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक कोशिश ये भी उनकी रहेगी, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला अपने स्टैंड पर पूरे खड़े हैं और वो क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अगर फारूक अब्दुल्ला क्लियर है तो एनसी के अंदर बवाल क्यों मचा हुआ है, एनसी अभी हड़कंप में क्यों है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा यूनिट हर जगह पर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर इस समन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नेशनल लेवल की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आज भी एक और इम्प्लीमेंटेशन का अनाउंस किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब पंचायती राज को और स्ट्रांग बनाया जाएगा। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1989 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर और इसके चलते जम्मू कश्मीर में भी पूरे देश की तरह रूरल लेवल पर यानी रूट लेवल पर 4 बेसिक स्तंभ जो होते हैं डेमोक्रेसी के वो सेटअप हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर एक ऐसी तरक्की की लहर देखने को मिलेगी जो आज तक कभी नहीं देखने को मिली है। अब जाकर के एक चीज़ पर कम से कम हम सहमति रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायती राज है उसके आने से जो लोकल पंचायतें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी और ग्रास रूट लेवल पर पंचायतों के लेवल पर जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले समय में। अब देखना यह है कि 5 से 6 महीने किस तरह की लहर लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये देखा गया है पिछले साल से ही लगातार हर 5 से 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होता है जम्मू कश्मीर में। पहले आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन था वो भी उसी समय पर हुआ था, उसके बाद कोरोना काल की शुरुआत हुई। अब देखना है कि आगे कौन सा काल जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है, क्या वो डेमोक्रेसी का रहेगा, क्या वो डेवलपमेंट का रहेगा, या फिर दोबारा से एक बार जम्मू कश्मीर अपनी कहानी हर बार की तरह दोहराता हुआ नजर आएगा। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरा मैन इमरान तारिक को दीजिए इजाजत, बने रहिए, देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस। आज का सवाल आपके लिए जो हम यहाँ पर रख के जाएंगे वो ये है कि कितने स्कैम्स जम्मू कश्मीर में आज तक हुए हैं, आपने अपनी आंखों से सामने होते हुए कितने स्कैम्स देखे हैं, अगर आपने देखे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, उनमें भी इंक्वायरी होगी, उन पर भी खबर बनेगी और अन्य खबरें लेकर हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।